वैसे तो कहते हैं सनराइजेस इन द ईस्ट, पर ये टीम जब खेलती है जहाँ खेलती है, इवन इन द नाइट वो सूर्य उगा देती है। नाम है सनराइजेस हैदराबाद। क्रिकेट सार्थक पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम प्रीव्यू पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टीम के हेड कोच और कैप्टन के बारे में। तो इस टीम के हेड कोच है ट्रेवर पैलेस, जो कि नए कोच है आईपीएल के और एसआरएच के भी। और इस टीम के कैप्टन है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने 2016 में हैदराबाद को एक ट्रॉफी जितवाई थी। अब बात करते हैं इस टीम के स्क्वाड पर। तो इस टीम के पास बैट्समैन है डेविड वार्नर, मनीष पांडे, केन विलियमसन, विराट सिंह, प्रियम गर्ग ऐसे बैट्समैन। ऑलराउंडर्स की बात करें तो इनके पास मोहम्मद नबी, अभिषेक शर्मा, विजय शंकर, मिचेल मार्श, केविन एलन ऐसे बड़े बड़े ऑलराउंडर्स भी है। विकेट कीपर्स की बात करें तो इनके पास रिद्धिमान शाह, जॉनी बेयरस्टो ऐसे विकेट कीपर है। स्पिनर्स की बात करें तो इनके शाहबाज नदीम और राशिद खान है। और अब पेस बॉलर्स की बात करें तो इनके पास भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ पॉल, खलील अहमद, संदीप शर्मा, बिली स्टैनले, बेजल संपी जैसे बड़े बड़े नाम है इनके पास पेस बॉलिंग में। तो ये तो हो गई इनकी स्क्वाड की बात, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सनराइजर्स हैदराबाद के की प्लेयर्स की बात करें तो इनके पहले की प्लेयर हो सकता है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर हर साल कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, चाहे बैटिंग में आप देखिए तो हर साल वो 500 से ज़्यादा रन मारते हैं। चाहे पिछले साल देख लीजिए, उसके पिछले साल, हालांकि उसके पिछले साल ये नहीं खेले थे, पर उसके पिछले साल देख लीजिए, ये 500 रन तो हर सीजन में मारते ही है। अब इनके दूसरे प्लेयर है, की प्लेयर है केन विलियमसन, जो कि पिछले साल के इनके कैप्टन भी थे, पर इस साल नहीं, इस साल डेविड वार्नर को बना दिया गया है कैप्टन वापस से। केन विलियमसन की बात करें तो T20 में बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हैं और ये बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है और ये काम और कंपोज्ड कैप्टन भी है। तो ये थी हो गई केन विलियमसन की बात। अब बात कर लेते हैं इनके तीसरे की प्लेयर जो कि भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने वीवो आईपीएल में 2 पर्पल कैप जीते 2016 और 2017 में। 2016 का इनको टाइटल जीता है, भुवनेश्वर कुमार का एक बड़ा हाथ था इसमें। अब इनके चौथे की प्लेयर की बात करें तो इनके चौथे की प्लेयर है राशिद खान, जो कि वर्ल्ड के टॉप 3 बॉलर्स में आते हैं T20 क्रिकेट में। ये साल दर साल SRH के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, ये बैटिंग भी करते हैं बढ़िया है, फील्डिंग भी बढ़िया करते हैं। तो ये बहुत ही ये 3 डायमेंशनल प्लेयर है एंड ही इज आउटस्टैंडिंग। अब इनके पांचवे की प्लेयर की बात करें तो इनके ही कंट्री पार्टनर है जो कि मोहम्मद नबी, ये भी 3 डायमेंशनल प्लेयर है, ये भी बैटिंग बहुत बढ़िया करते हैं। बैटिंग में ये डिफिकल्ट टाइम में आके आसानी से मैक्सिमम मार सकते हैं, बाउंड्रीज मार सकते हैं, कोर्सेस आसानी से मार सकते हैं और मैच को जिता के दे सकते हैं टीम को। तो ये बॉलिंग में भी ये पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं, विकेट ले सकते हैं वहाँ पर, जहाँ पर 2 ही प्लेयर सिर्फ आपके 30 yard सर्कल के बाहर होते हैं वहाँ पर ये बढ़िया बॉलिंग करते हैं, डेप्थ में बढ़िया बॉलिंग करते हैं। तो ये भी आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, इज फैबुलस। तो ये तो हो गए इनके की प्लेयर्स। अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं तो इनकी पहली स्ट्रेंथ है इनके डायनामिक ओपनिंग पेयर, जहाँ पर डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो बैटिंग करने आते हैं। ये दोनों ही क्लासिक प्लेयर है, एक्सप्लोसिव प्लेयर है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने जानते हैं ये दोनों प्लेयर। पिछले साल इन्होंने RCB के सामने दोनों ने एक ही मैच में दोनों ने ही सेंचुरी लगाई, तो ये बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड भी है और आज तक कोई भी ओपनर्स ऐसा कर नहीं पाए। तो ये इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया पिछले साल और इनका वो पहला साल था एज ए पार्टनर ओपनिंग पेयर। तो ये बहुत बढ़िया है और ये इस साल भी बहुत बढ़िया करेंगे और ये होगी इनकी पहली स्ट्रेंथ। और दूसरी बाकी 7 टीम ये स्ट्रेंथ से डरेंगी भी, SRH की ये स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है। अब इनकी दूसरी स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी पेस बॉलिंग अटैक, जो कि हर साल होती है पिछले 4-5 सालों से, और ये बताते भी आ रहे हैं कि हमको 140 से नीचे का भी टारगेट मिलेगा तो हम आसानी से उसको डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि इनके पास भुवनेश्वर कुमार होते हैं, राशिद खान होते हैं, पर राशिद खान तो हालांकि स्पिनर है, पर भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, सिद्धार्थ कौल, खलील अहमद, बिली स्टैनले जैसे बड़े बड़े नाम इनके बॉलर बॉलिंग में होते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बॉलिंग अटैक की टीम है, बॉलिंग लाइनअप इनका बहुत ही स्टेबल और बैलेंस्ड है। अब इस टीम की वीकनेसेस पर बात करें तो इस टीम की एक ही वीकनेस है कि इनके मिडल ऑर्डर के बैट्समैन, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं, वहाँ पर सिर्फ मनीष पांडे है जो कि बढ़िया एक्सपीरियंस है इनके पास, और कोई भी वहाँ पर ऐसा बैट्समैन नहीं है। चाहे आप देख लीजिए प्रियंकर, वो भी U19 के प्लेयर है, चाहे आप देख लीजिए विराट सिंह को, वो भी यंगस्टर है, तो यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है नहीं, तो यहाँ पे इनको थोड़ा प्रॉब्लम देगा या इस पोजीशन पे। अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो प्रियंकर और विराट सिंह के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी अपने आप को प्रूव करने के लिए कि SRH का मिडल ऑर्डर परफेक्ट बनाने के लिए। अब दूसरे दो प्लेयर्स की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो विजय शंकर और खलील अहमद, इन दोनों को तो इन दोनों के लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि
हार्दिक पांड्या का तो वैसे भी ये इंडिया बैकअप ढूंढ रही है इंडियन टीम, क्योंकि हार्दिक पांड्या 100% फिट नहीं है हालांकि, तो इनके लिए तो इन दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया ही अपॉर्चुनिटी और 2021 के T20 वर्ल्ड कप के ऊपर भी इनकी नज़र होनी चाहिए। अब फटाफट से इनके थ्रेट, इस टीम के थ्रेट की बात कर लेते हैं, तो इस टीम की एक ही थ्रेट है कि राशिद खान का बैकअप। राशिद खान का कोई भी बैकअप नहीं है इस टीम के पास। अगर खुदा ना खास्ता राशिद खान इंजर हो जाते हैं बीच में टूर्नामेंट के, तो उनका बैकअप क्योंकि कोई है नहीं, और वो अभी CPL खेल के आ रहा है, तो उनके पास वर्कलोड उनको उनका देखना पड़ेगा SRH की टीम को। अब फटाफट से इनके आइडियल 11 की बात कर लेते हैं, तो इनके आइडियल 11 हो सकती है डेविड वॉर्नर एंड जॉनी बेयरस्टो एज द टू ओपनर। एट नंबर 3, 4 and 5 आई हैव गॉट रिद्धिमान शाह, मनीष पांडे, विराट सिंह / प्रियांक गर्ग। मैंने विराट सिंह को रखा है इस टीम में। एट नंबर 6 and 7 आई हैव गॉट मोहम्मद नबी एंड विजय शंकर। एट नंबर 8, 9, 10 and 11 आई हैव गॉट राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार। एट नंबर 10 आई हैव गॉट संदीप शर्मा / सिद्धार्थ कौल। इन दोनों में से मैंने सिद्धार्थ कौल को दिया है मौका इस टीम में। एट नंबर 11 आई हैव गॉट खलील अहमद। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट सारथिक को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप मेरे सबसे पहले वीडियो पा सकें।